तो गाइस अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान रहते हैं, उनमें कोई चमक नहीं रहती है, तो एक बार आपको ये वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर मास्क की रेसिपी, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे और साथ में आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आपके बाल कितने भी पतले होंगे वो बहुत ज़्यादा घने दिखाई देंगे। तो इस रेसिपी को मैं कैसे बनाती हूँ, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। उससे पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ। तो विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम लेंगे शहद। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के आसपास शहद लिया है, ये थोड़ा सा जमा हुआ है क्योंकि फ्रिज में रखा था। अगर आपको शहद सूट करता है, आपको कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती, तो आप एक चम्मच के आसपास शहद ले सकते हैं। आपके बाल कितने भी डल ड्राई डैमेज रहते हैं, शहद बहुत अच्छे से आपके ड्राई डल डैमेज वालों को रिपेयर करते हैं। और इसमें दो चम्मच के आसपास मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप एक चम्मच के आसपास वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिएगा, और साथ में दो चम्मच के आसपास मैं यहाँ पर सेब का सिरका ले रही हूँ। ये बालों में बहुत अच्छी सी चमक लाता है और साथ में आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा बाउंसीनेस बनाता है, बहुत ही ज़्यादा घना दिखाता है। तो इस तरह से आपके पास लिक्विड कंसिस्टेंसी का ये मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। इसको डिज़ोल्व होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है मिक्स होने में अच्छे से, लेकिन आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। ये वाला जो मिक्सर है आपको अपने स्कैल्प में लगाना है और साथ में आपको अपने बालों की लेंथ में भी लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके बालों में अगर किसी भी तरह का कोई डैंड्रफ होगा, किसी तरह की कोई खुजली होगी, कोई भी स्किन इन्फेक्शन होगा, वो भी इस वाले रेमेडी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो मैंने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है और बाल मेरे अच्छे से सूख भी गए हैं, और आप खुद देख सकते हैं कि मेरे बालों में कितनी अच्छी सी बाउंसीनेस आ गई है और बहुत ही अच्छी सी शाइन है मेरे बालों में। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने आज तक कभी भी किसी तरह का हेयर ट्रीटमेंट नहीं कराया है। मैंने कभी आज तक किसी भी तरह का कोई भी रिबॉन्डिंग या फिर किसी भी तरह का मार्केट का हेयर मास्क इस्तेमाल नहीं किया है। मैं हमेशा इस तरह के ही हेयर मास्क को इस्तेमाल करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस हेयर मास्क को आप हफ्ते में दो बार ज़रूर लगाइएगा, आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, आपको खुद अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ में शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। साथ में अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हो, इस रेमेडी से अगर आपको कोई भी हेल्प नहीं मिली हो, तो वीडियो को डिसलाइक आप कर सकते हैं। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।